हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज से हम लोग इस चैनल के ऊपर देखो, हम लोगों ने इस चैनल के ऊपर बहुत कुछ किया है, बहुत सारे एनिमेस के रिव्यूज किए हैं, लेकिन आज से मैं आप लोगों के लिए एक और सीरीज ला रहा हूँ जो है एनिमे रिकमेंडेशन सीरीज, जहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि जो मैंने एनिमे रिसेंटली देखा है या लेटेस्ट देखा है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो एनिमे वर्थ इट है आप लोगों के लिए टाइम के लिए या नहीं है। मतलब देखो, मैंने बहुत सारे एनिमे देखता रहता हूँ वीकली और सबका मैं रिव्यू आप लोगों के लिए नहीं बना सकता, लेकिन जो जो एनिमे मुझको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं उन एनिमेस के बारे में आप लोगों बताना चाहता हूं। तो दोस्तों इस ये सीरीज उसी बारे में है कि जो एनिमे मैं देखता हूं वो आप लोगों को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों थंबनेल और टाइटल देख के मैं आप लोगों को समझ में आई होगा मैं यहां पे कौन से एनिमे की बात कर रहा हूं। हां दोस्तों, यहां बात कर रहा हूं किंगडम ऑफ रुइन के बारे में। तो ये एनिमे इसी साल इसी सीजन में एयर होना चालू हुआ है और इसका अभी तक शायद 6 एपिसोड आया है जितना मैंने देखा है, और शायद मैं जब ये वीडियो छोड़ूंगा तब इसका 7वां एपिसोड भी आ जाएगा, मुझे पता नहीं। उतना मैंने ये एनिमे शुरू किया था ना, तब मुझको उतना पता नहीं था इस एनिमे के बारे में, क्योंकि इस एनिमे के बारे में कुछ भी नहीं था उस वक्त। ठीक है दोस्तों, मैं मुझे पता नहीं था ये कोई नोवेल एडप्टेशन है या कोई ये मांगा एडप्टेशन है या कोई ओरिजिनल एनिमे, मुझे कोई पता नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने जब इसका थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझको पता चला कि एक मांगा एडप्टेशन है जिसको लिखा है तात्सुमी कोनो ने, और उनका ये मांगा है सेम नाम से द किंगडम ऑफ रुइन, ये एक डार्क फैंटेसी मांगा है। तो दोस्तों पहले मुझको लगा था कि डार्क फैंटेसी मांगा, और मेरा एक बहुत ही फेवरेट जॉनर है डार्क फैंटेसी, तो मुझको लगा कि हाँ ठीक है मैं ये देख सकता हूँ। और मैंने देखा था कि इसका अभी तक सिर्फ 6 एपिसोड्स ही आया, मुझको पता नहीं कि 7वां एपिसोड कब आएगा, शायद शुक्रवार को आ जाएगा, मुझको पता नहीं उतना, लेकिन इसका 6 एपिसोड आए हैं। तो दोस्तों ये 6 एपिसोड देख के मेरे ऊपर जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ा था वो पड़ा था कि व्हाट द फक, मतलब ये एनिमे ऐसा ही है, बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल एनिमे है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन नहीं तो आप लोग स्पॉइल हो जाओगे, मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि ये एनिमे में जो कुछ जो सिनॉप्सिस है उसके बारे में और इसका फर्स्ट एपिसोड मुझको कैसा लगा। तो दोस्तों ये एनिमे जब शुरू हुआ था ना, तब हम लोगों को एक सिनॉप्सिस दिया गया था कि गॉड्स ने एक वर्ल्ड बनाया है जहां पे ह्यूमंस रहते हैं और उनको गाइड करने के लिए उन लोगों ने विचेस को भी क्रिएट किया था। तो दोस्तों पहले पहले ये था कि ह्यूमंस और विचेस एक साथ रहते थे, विचेस के मतलब विचेस ह्यूमन को गाइड करते थे, ऐसा हम लोगों को पहले पहले दिखाया जाता था। लेकिन उसके बाद जब ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत ही ज्यादा यूनिक हो गया, मतलब साइंटिफिकली वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, तब उन लोगों को ऐसा लगा कि विचेस को हम लोगों की जरूरत नहीं है, मतलब हम लोगों को विचेस जरूरत नहीं है अभी दुनिया के अंदर। तो वो क्या करने लगे, वो ये करने लगे कि उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा हेट्रेड पैदा हो गया और वो लोग सारे विचेस को पकड़ पकड़ के मारने लगे। तो दोस्तों ऐसा हुआ था इस एनिमे का शुरुआत, तो मुझको ऐसा लगा था कि ये थोड़ा ब्रूटल वे में जा सकता है। तो दोस्तों फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम है एडोनिस, और उसके साथ दिखाई गई थी उसकी मास्टर या टीचर क्लोई को। तो दोस्तों एपिसोड के शुरुआत में जैसे मैंने बोला था कि सब लोग विचेस को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं, तो क्लोई एक विच है, और मैं बोलूँ कि क्लोई एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विच है, और ह्यूमंस को ये लगता है कि क्लोई सबसे लास्ट विच है, तो इसलिए उसको मारना जरूरी है उनके लिए। तो दोस्तों इसीलिए वो लोग ऐसे वीरान रेगिस्तान में भाग रहे थे ऐसे करके, और हम लोगों को वहां पे दिखाया गया था एक बहुत ही होलसम मोमेंट दिखाया गया था। तो पहले पहले मुझको लगता था कि ये थोड़ा मतलब एडवेंचरस एनिमे होगा जहां पे क्लोई और एडोनिस ऐसे भाग भाग के रहेंगे कहीं पे, तो वो लोग ऐसा होगा मुझे लग रहा था। लेकिन वहां पे ह्यूमंस आया था और ह्यूमंस आके उन लोगों को पकड़ के रिडिया किंगडम, जो मतलब इस स्टोरी का मेन किंगडम है, वहां पे ले जाके उन लोगों को किंग के सामने रख देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है एपिसोड 1 का मेन पॉइंट रिडिया किंगडम के अंदर, जब हम लोगों को दिखाया जाता है क्लोई का डेथ। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉइलर है, जैसा कि मैंने बोला कि एपिसोड 1 का मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये पॉइंट शुरू होता है, एडोनिस को ये लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्लोई को इन लोगों ने दिखाया है जैसे टॉर्चर करके उसको मार रहे हैं ये लोग, वो देखकर आप लोग शॉक हो जाओगे, क्योंकि जब मैं ये एनिमे देख रहा था मुझको लगा नहीं था कि क्लोई को इतनी जल्दी ये लोग मार देंगे। जैसे इन लोगों ने क्लोई को वहाँ पे मारा, इतना पब्लिक ह्यूमिलिएशन से उसको मारा गया वहाँ पे, और वो वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ के लिए लड़ रही थी कि एडोनिस को वो लोग छोड़ दे, और उसके लिए उसने अपनी जान दी, लेकिन ऐसे जान दिया, मतलब ऐसे उसका जान लिया। दोस्तों आप लोग देख के चौंक जाओगे, मैं यहाँ पे आप लोगों को स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग देख के चौंक जाओगे। लेकिन यहाँ पे जो और एक चीज़ है कि मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि विचेस लोग ह्यूमंस की हेल्प कर रहे थे पहले, लेकिन यहाँ पे जब क्लोई को मार रहे थे ना वो लोग, सब ह्यूमंस लोग ताली बजा रहे थे ऐसे करके, तो वो वाला सीन भी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा मुझको, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा। और ऐसे ही एनिमे का शुरुआत है, और ऐसे मेरा इंटरेस्ट बना इस एनिमे के अंदर, ये एनिमे क्या होने वाला है। तो इसके बाद ये जो एनिमे का मेन प्लॉट है दोस्तों, वो है रिवेंज प्लॉट, मतलब
मैं आप लोगों को स्पॉइल नहीं करूंगा, बट ये एनिमे का मेन पॉइंट है रिवेंज प्लॉट। और दोस्तों ये एनिमे जैसे जैसे चला ना, मतलब सेकंड एपिसोड थर्ड एपिसोड, मुझको अच्छा लगने लगा। तो ये प्लॉट जैसे जैसे चला ना, जो सेकंड एपिसोड था जो थर्ड एपिसोड था वो मुझको अच्छा लगा। जो कैरेक्टर हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जैसे कि दोरो का, अन्ना, बहुत सारे कैरेक्टर हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाया गया जो मुझको बहुत ही अच्छा लगने लगा। और इसका जो मेन कैरेक्टर है एडोनिस, वो भी मेरे को ठीक ठाक लगने लगा। लेकिन उसके बाद ना उसका सिर्फ मेन ये पॉइंट है कि रिवेंज रिवेंज ऐसे करके करता गया ना, तो मुझको थोड़ा अनोइंग भी लगने लगा वो कैरेक्टर। लेकिन दोस्तों जो सिक्स एपिसोड निकला वहां पर बहुत ही बड़ा चीज रिवील है, मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, वो चीज रिवील होने के बाद मुझको लगा कि ये एनिमे इंटरेस्टिंग हो रहा है, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। और दोस्तों इसके मांगा चैप्टर में अभी तक शायद 44 या 46 चैप्टर्स आए हैं, मुझको पता नहीं कि ये शायद ये वाला सीजन शायद 12 एपिसोड का होगा। तो अभी तक इसके 6 एपिसोड ही निकले हैं और 6 एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों को बोल सकता हूं ये एनिमे वर्थ इट है आप लोगों के लिए टाइम का, क्योंकि ये एनिमे बहुत ही अच्छा है, एक डिफरेंट टेक लेता है रिवेंज को जो हम लोग देख सकते हैं। और दोस्तों यहां पे जो हम लोगों को दिखाया गया इस कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर का मेन मोटिव है वो ये है कि सारे ह्यूमंस को मार देना, वो एक भी ह्यूमन को जिंदा नहीं रहेगा, सारे ह्यूमंस को मार देगा। वो तरीका बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होगा, बहुत ज्यादा, मतलब आप लोग सोच नहीं सकते कि इस एनिमे के अंदर जो डर्ट दिखाया गया है, हम लोगों को दिखाया गया, वो लिटरली बहुत ब्लडी है, बहुत ही गोर है, और वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डेथ है जो आप लोग देख के चौंक जाओगे। देखिए एक एनिमे का जो प्लॉट है रिवेंज वो ठीक है, लेकिन उस रिवेंज के अंदर आप लोग किस किस को मार रहे हो वो भी देखना चाहिए। और वो एक मेन कैरेक्टर नहीं देखता, वो सबको मार दे रहा है, और वो वाला चीज इस एनिमे का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग देख के वो चौंक जाओगे। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे वीडियो के अंदर इतनी देर पहुंच चुके तो मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर मेरा ये वीडियो 15 साल के नीचे के बच्चे देख रहे हैं तो आप लोग ही एनिमे से दूर रहे, क्योंकि ये एनिमे बहुत ज्यादा वायलेंस है और ये एनिमे आर रेटेड है, बहुत काट छाट आप लोगों को दिखाई देगा। दोस्तों अगर आप लोगों का मन सख्त है तो आप लोग ये एनिमे देख सकते हो, क्योंकि बहुत वायलेंस है, बहुत ज्यादा वायलेंस है। और दोस्तों एडल्ट्स के लिए तो ये एनिमे वर्थ इट है, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को, आप लोग ये एनिमे जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का रिकमेंडेशन वीडियो, शायद आप लोगों को रिकमेंडेशन मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को और भी कुछ एनिमे का रिकमेंडेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लाऊंगा, जरूर लाऊंगा दोस्तों, मैं वो वीडियो लाऊंगा। लेकिन उसके पहले आप लोग को एक काम करना पड़ेगा, प्लीज, एक बहुत ही छोटा सा काम है, आप लोगों का कुछ भी नुकसान नहीं होगा यहाँ पे। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग इतने देर तक देख चुके हैं और अगर आप वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, पता ही है आप लोगों को क्या बोलूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि मुझको फायदा मिलेगा, मुझको मोटिवेशन मिलेगा ऐसे नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे टॉपिक के, तब तक के लिए जय हिंद।